अपना छोटू मैगी है और इसको 2 मिनट में पकाना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही। मैगी बनाने की तैयारी चल रही है, इसीलिए प्याज टमाटर काटना है। इस समय हमारे पास प्याज टमाटर है, इसमें प्याज टमाटर डालकर ही बनाएंगे। ओके, तो भैया मैगी बनाने का प्लान है और मैं देखूंगा मैगी बना करके कि 2 मिनट में मैगी बनती है या नहीं बनती है, बाकी ये तो बनाएंगे ही। 2 मिनट में मैगी गल जाती है, जैसे अगर प्याज टमाटर नहीं डालोगे तो 2 मिनट में बन जाएगी। अच्छा, प्याज टमाटर ना डालो तब बन जाएगी। तो देखते हैं भैया 2 मिनट में मैगी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, बाकी ये तो मैगी बनाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम अलग बनाएंगे, आप भी बनाएंगे। Be quiet, I hear the thunder that comes from far away. It's like a noise in my head. टमाटर ये काट चुके हैं, अब बारी है भैया मैगी बनाने की। तो पहले तो ये मैगी बनाएंगे, फिर हमारी बारी आएगी, तो लेट्स स्टार्ट। आपकी 2 मिनट वाली मैगी है और हमारे में देखो कितना टाइम लगता है, वो बता। वो तो है, जब बनाना स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। हम लोगों ने तेल डाल दिया है, प्याज डाल दिया, प्याज पक रहा है बिल्कुल, और प्याज पकने के बाद हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालेंगे उसके बाद ये मैगी रखी हुई है वो डाली जाएगी। हाँ। है नहीं? हाँ। प्याज पकने जब तक प्याज पक रहा है तब तक हम जितनी मैगी है ये 3 पैकेट तीनों को खोल लेते हैं। हाँ। हाँ। भैया मैगी जो है निकल के बाहर आ चुकी है, मैगी मसाले भी निकल गए। अपना प्याज देख रहे ना? प्याज देख रहे हैं बिल्कुल, प्याज देखो। दो मिनट नूडल्स ये हम बाद में बनाएंगे, बाकी ये बना रहे हैं अभी थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में सब लोगों के लिए, और हम लोगों को मैगी बहुत ही अच्छी लगती है, बाकी इनको तो बहुत ही अच्छी लगती है नहीं? घर में अपने बना के खाएं, है नहीं? नहीं। ओके, तो ये मैगी बनने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। हाँ, थोड़ी थोड़ी काट कर टमाटर वगैरह डाल दिए हैं ये, है नहीं? बिल्कुल, इसके बाद जो है क्या डालना पड़ेगा? बस अब इसके बाद कुछ नहीं डालना है, पानी डालना है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें। मसाला? टमाटर गल जाएगी नहीं। मसाला? मसाला बाद में डालेंगे। ओके, ये मैगी है अपनी भैया, और ये मसाला थोड़ा निकाले हैं ये, ताकि इन पैकेट से मसाला निकाला जाएगा अभी, और ये भी पड़े हुए। तो भैया थोड़ा सा मसाला, मसाला नहीं नमक डाल रहे हैं भैया ये, क्योंकि टमाटर अच्छे से क्या हो जाए, पक जाए। तो भैया डाल दिए हैं अपना नमक, मैगी का मसाला है, और ये निकाल रहे हैं पैकेट से, और इतनी सारी हमारी मैगी वो फैला दिया तैयार है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फैल गया थोड़ा उसमें। मत खाओ मैगी मसाला, इसको हम लोग सब्जी में भी डाल लेते हैं टेस्ट बनाने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, कहीं चाहो वहाँ। हाँ, मैगी मसाला डाल दो, यह टेस्ट बदल जाता है। डालो, हर चीज में टेस्ट बदल जाता है। हम लोग कानपुर में रहते थे, मैगी मसाला रखते थे, सब्जी में डाल देते थे, मन होता था ले मैगी मसाला सब्जी में डाल दिए, मजा आ जाती थी। तो भैया ये मैगी का मसाला है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, और बस रेडी हैं अब। टमाटर पक गया है, टमाटर पक गया, टमाटर पक गया, उसके बाद जो है अब मैगी डाली जाएगी। हैं क्यों? टमाटर के बाद पानी, पानी, पानी डाला जाएगा। हाँ, और पानी के बाद जो है मैगी डाल दी जाएगी। डालिए भैया पानी, तो भैया मसाला डाल दिया गया है मैगी मसाला, और इसके बाद जो है देखते हैं क्या होगा आगे। अब क्या करना है?
बस अब जो है बॉईल आ जाए, एक बॉईल आने के बाद में बस इसमें डाल दूंगी मैगी। बस ओके क्या, बस बॉईल आ जाए, अभी बॉईल नहीं आया है, बॉईल आ जाए बस उसके बाद में बस इसमें डाल दूंगी। ओके okay. बॉयल आने का इंतजार करते हुए और आ गया है बॉयल। बॉयल आ गया था, ऐसे से किया तो चला गया। ओके फिर से आ जाएगा बॉयल, बस उसके बाद मैगी डालनी है। बस मैगी डाल दी, मैगी डाल फिर उसके बाद अपनी छोटू मैगी बनाएंगे हम, हाँ 2 मिनट में। 2 मिनट में, बिल्कुल टाइम टाइम से, जिसमें ऐसा जिसमें पैकेट में मतलब जैसा लिखा होगा वैसे बनाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। नहीं तो कंपनी वाले कहेंगे ये तो चीटिंग कर गया। तो भैया मैगी डाल दी गई है और अब देखते हैं कितना समय लगेगा इसको बनने में। तो बस अब पकने की देरी है नहीं? बस अब पकने की देरी है, बस इसको मिला देते हैं अच्छे से। बस हमारी मैगी तैयार हो जाएगी। अब देखना है कि कितना टाइम लगता है इसमें। इसमें टाइम लगता है ज्यादा। ज्यादा बनाने में तो टाइम लगेगा। हमारी मैगी तैयार हो गई है, बन गई है यानी, खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। बिल्कुल, ये देखिए बस तैयार है। हाँ बस इसमें ये है कि आपको पीली कम लग रही होगी क्योंकि हमने अलग से हल्दी नहीं डाली है इसमें, इस वजह से। हल्दी अगर डाल देते तो वही कलर दिखता आपको, लेकिन हल्दी नहीं डाली हमने, जो मसाले उसमें निकले थे सिर्फ वही मसाले हमने यूज किए। तो भैया अब है टाइम परोसने का और मेरे मुंह में पानी आने लगा है देखते ही देखते। तो भैया सभी लोगों को ये मैगी परोस देते हैं और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही मैगी, और मैगी खा करके बहुत ही आनंद आता है मेरे मुंह में, तो अभी से पानी आने लगा है जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो भैया अब फटाफट हम लोग खाएंगे मैगी। सभी के लिए मैगी लगा दी है और अब लगाने के चम्मच भी लगा देते हैं। बिल्कुल, तो भैया हम लोग सभी खाएंगे मैगी और मैगी लग चुकी है फटाफट, खुशबू बहुत ही सुंदर आ रही है, मजा आ जाएगी। चम्मच भी लगा दे रहे हैं सब में। और चलिए चलते हैं। लगा दीजिए चम्मच, लग गए हैं सब और मैगी तैयार है खाने के लिए। बिल्कुल, अभी सभी को बुलाते हैं और पार्टी स्टार्ट करते हैं। कैसी लग रही, नमक लग रहा है? कैचअप डालना चाहो डाल लो। वैसे अच्छा, फटाफट भैया खा लेते, तूने खाओ, हम भी खाएंगे अभी बाद में। ओके चलो ठीक, मैंने तो बता दिया है कि अच्छी बनी है, अब इनकी बारी है। ये भी बता रहे हैं कि अच्छी बनी हुई है और अभी इशारा करेंगे आपको यानी सबको। तो भैया अपना छोटू मैगी है और इसको 2 मिनट में पकाना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पकाएंगे। सबसे पहले